आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ विद्यार्थी एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग क्वेश्चन के आंसर्स। क्वेश्चन आंसर आने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इसके जो भी आंसर परफॉर्म आउट कर रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस की बात नहीं करते तो आप केवल ऑप्शन में सबसे मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं मैं 6 मई के दिन इस क्वेश्चन को परफॉर्म आउट करूंगा। आप जब किसी क्वेश्चन की वीडियो देखें आपको नीचे करना है कि वो आपके बैच की वीडियो होनी चाहिए। व्हाट इज द ग्राउंड लेवल शॉर्ट, आपने बताना है फुल शॉर्ट, कॉवर शॉर्ट या फिर फ्लोट शॉर्ट या फिर नन ऑफ द गिवन। ग्राउंड लेवल शॉर्ट जो है वो इनमें से क्या होता है, आपने सबसे पहले इस चीज को डिफाइन करना है। ग्राउंड लेवल शॉर्ट्स की बात करें तो वैसे इसमें करेक्ट आंसर क्लोज अप होना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादातर काउबॉय शॉर्ट्स को चूज आउट कर रही हूँ। सबसे ज्यादा काउबॉय सीन्स के अंदर ग्राउंड लेवल शॉर्ट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। यू कैन स्टेबलाइज शेकी फोटो बाय चेंजिंग द स्केल, थ्रोइंग द स्पीड ऑफ द क्लिप यूजिंग रैप स्टेबलाइजर इफेक्ट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमने अपनी एक्सरसाइज 1 के अंदर भी इसको चेकआउट किया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द वीडियो इफेक्ट प्रो प्रो एम्प का जो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट होता है वो किस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो हम इन ऑप्शन में से एनहांसिंग वीडियो शार्पनेस को चूज कर सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे एडजस्टिंग कलर सैचुरेशंस को जो है वो चूज आउट करती हूँ। अगला क्वेश्चन है मैच कट इन एडिटिंग मीन दिस इज द कंटिन्यूटी फ्रॉम वन शॉट टू नेक्स्ट, यू हैव गुड मैचेस, पीपल हैव टू प्लेस बिटवीन शॉट्स व्हाइल फ्रेमिंग और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपको बताना है मैच कट का मतलब एडिटिंग में क्या होता है। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए देयर इज अ कंटिन्यूटी फ्रॉम वन शॉट टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है ऑडियो यूनिट इज कॉल्ड, ऑडियो यूनिट कहलाता है डीबी, बीबी, सीडी या बीडीबी, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास व्हाट इज एल कट, लॉन्ग कट, कट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द प्रीवियस कट, लैप कट, ओवर साउंड ऑफ द नेक्स्ट कट, फास्ट कट, लास्ट कट ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑफ द गिवन ऑप्शन। एल कट इन म्यूजिक कौन सा ऑप्शन है उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। इसमें दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, कट आफ्टर द 5 मिनट ऑफ द प्रीवियस कट या फिर ओवरलैप साउंड ऑफ द नेक्स्ट क्लिप। तो यहाँ पे मैं कट आफ्टर 5 मिनट ऑफ द प्रीवियस कट को चूज करती हूँ। अब देखते हैं कि आखिर में कौन सा आंसर कलेक्ट होता है। इन विच टाइप ऑफ वीडियो वी डू नॉट नीड टू फॉलो रूल, बिजनेस वीडियो, शॉर्ट वीडियो, म्यूजिक वीडियो या फिर प्रमोशनल वीडियो, कौन सी वीडियो होती है जिसमें रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है। शॉर्ट वीडियो इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द कलर कैन बी क्रिएटेड थ्रू द रेप्लिकेट इफेक्ट, काउंट टू 2, 4, 8 and 16 आपका ऑप्शन है। आपने बताना है कि अगर हम रेप्लिकेट इफेक्ट को 2 मरतबा काउंट करें तो कितनी कॉपीज बार बार जनरेट होंगी। अगर मेरे पास 2 काउंट है तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 4 कॉपीज होनी चाहिए यहाँ पे, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ये रेप्लिकेट इफेक्ट काउंट 2 कह रहा है, तो अगर सिंगल वीडियो 2 बार काउंट करें तो ओवर 2 होनी चाहिए यहाँ पे, 1, 2 and 1, 2, 4 होनी चाहिए, तो हमारे पास 4 इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द क्लिप विल बी क्रिएटेड टू रेप्लिकेट इफेक्ट काउंट 8, तो अगर उसका 4 था तो 8 है तो इसका कितना होना चाहिए ऑब्वियसली 16। लेट्स गो टू द फर्दर क्वेश्चन जो कि है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट डज ऑडियो मीटर डू इन द प्रीमियर प्रो, डिस्प्ले ऑडियो लेवल्स, कंट्रोल ऑडियो लेवल्स, प्रोड्यूस साउंड, नन ऑफ द डीज। ऑडियो मीटर क्या करता है प्रीमियर प्रो के अंदर, अगर हम देखें तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है ऑडियो लेवल को, तो हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और ये तो हमारा काफी अच्छा था वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग का क्विज, मैं उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग के अलावा आपका कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि क्लास में चेकआउट कीजिए। आज वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करके और अच्छे टॉपिक के साथ मुझे दीजिए इजाजत।